अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आपका ढेर सारा वेलकम है दोस्तों। आज मैं आपसे पॉन्ड्स के ब्राइट मेरिकल पोर क्लियर फेस वॉश का रिव्यू करने वाला हूं। ये पॉन्ड्स का न्यूली लॉन्च फेस वॉश है, इन्होंने पैकेजिंग चेंज किया है। मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और कौन सी स्किन के टाइप के लोग यूज़ करेंगे और कौन सी स्किन की प्रॉब्लम्स वो यूज़ करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। पॉन्ड्स का जो ये फेस वॉश है ना, इसमें क्ले BHA है। क्ले भी आपकी स्किन में से ऑयल की प्रोडक्शन को रोकता है, आपकी रंगत को निखारता है। और BHA जो होता है ना, वो सैलिसिलिक एसिड होता है, या आपकी ऑयल की प्रोडक्शन को रोकेगा। वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, एक्नी है तो उसको कंट्रोल करेगा। अगर आपके फेस पर वाइट हेड ब्लैक हेड्स बनते रहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा फेस वॉश है, क्योंकि इसमें छोटे से माइल्ड ग्रैन्यूल्स भी हैं तो डेड सेल्स हटेंगे, साथ में ऑयल की प्रोडक्शन रुकेगी तो आपके वाइट हेड ब्लैक हेड भी कम होंगे और आपकी जो है ना एक्नी भी नहीं बनेगी। अगर आपके फेस पर ज़्यादा एक्टिव एक्नी है तो आपने उस पर ज़्यादा रगड़ना नहीं है, नहीं तो आपके फेस पर पीट्स बन सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो है ना वो नियासोर्सिनोल है। नियासोर्सिनोल पॉन्ड्स के हर फेस वॉश में इन्होंने ऐड किया है। ये आपके डार्क स्पॉट्स को फेड करेगा, पिगमेंटेशन को कम करेगा और आपकी रंगत को भी निखारेगा। तो ये बहुत अच्छा फेस वॉश मुझे ऐसा लगा ऑयली स्किन के लिए। अगर आपकी ऑयली स्किन पर वाइट हेड हैं, ब्लैक हेड्स हैं, एक्नी है तो ये बहुत ही अमेजिंग फेस वॉश है। इसकी प्राइस जो है ना मैक्सिमम वो 450 है, ठीक है ना। ड्राई स्किन वाले इसको यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो आपकी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, ग्लो चला जाएगा। वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, एक्नी है तो बहुत अच्छा फेस वॉश है। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ गाइज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, अल्लाह हाफिज़ गाइज़।